पढ़ाना चाहिए। ऐसे में कुलीन देसाई ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं नाम से इस सीडी को हमने तैयार किया है। आप सुनिए ध्यान से कि कुलीन देसाई ने क्या कहा है, आपका बिजनेस वाकई ग्रोथ करने लगेगा। Anyway, I want to welcome you again, and the topic I'm going to talk to you now is what do I do next? आपका ये सब एक्साइटमेंट हो गया, आप बिजनेस में आ गए, वेलकम टू द बिजनेस, यू वेलकम मीटिंग में आप दे, नाउ अब मैं क्या करूं? यही सवाल अपने अपलाइन को हमेशा पूछने का, अब मैं क्या करूं? और जो आपको बताए वो करने का बाद में जाके पूछना, अब मैं क्या करूं, ये कर दिया अब क्या करूं? तो ये इंस्ट्रक्शन आपको देंगे कि व्हाट डू आई डू नेक्स्ट, अब मैं क्या करूं? अब बिजनेस में आ गया, बिलीफ्स आ गई, ये बिजनेस बहुत बढ़िया है, मेरे ड्रीम्स भी क्लियर है, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, मुझे आई नीड फाइनेंशियल फ्रीडम, आई नीड मनी, आई नीड टाइम, आई नीड सिक्योरिटी, आई नीड ऑल ऑफ दिस थिंग, आई एम रियली सीरियस, व्हाट डू आई डू नाउ? अब मैं बहुत सीरियस हूं इसके लिए, अभी क्या करना चाहिए मुझे? बिकॉज नाउ यू नीड टू वर्क, वर्क तो करना ही पड़ेगा, क्या करने का है? नंबर वन, फर्स्ट थिंग यू डू इज डू 100 PV, 100 PV करना सीखो पहले। सबसे पहला टास्क है, सबसे पहला काम आपको करना है वो 100 points बनाने का, क्योंकि ये अपना बिजनेस है ना, करोड़ों का बिजनेस होने वाला है। एमवे का टर्नओवर दिस ईयर इज गोइंग टू बी ओवर 500 crores, 500 crores से भी ज्यादा टर्नओवर ये साल होने वाला है। तो ग्रोथ तो हो रहा है पर कोई एक आदमी नहीं करता है, आपको तो 100 PV करने का है बस। 100 PV इज योर फर्स्ट टेस्ट। नाउ हाउ डू आई डू 100 PV? ये 100 PV कैसे करने का? पहले तो जो कुछ चीजें एमवे से खरीद सकते हो बाहर से मत खरीदो, क्योंकि जो अपने बिजनेस में मिलता है बाहर से खरीदोगे तो उसका बिजनेस बढ़ेगा, हमारा नहीं। तो पहले स्पेशली दिस इज फॉर द पीपल हु जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, जब अभी अपने अभी अभी बिजनेस शुरू किया है, वहां आपने अभी अपना किट भी नहीं खोला होगा और अभी अभी शुरू किया बिजनेस। बाद में एक प्रश्न हमेशा होता है कि भी मेरे पास ये सब चीजें तो हैं, मानो कि हमारे बिजनेस में ग्लिस्टर टूथपेस्ट है, बट हमारे पास 5-6 कोलगेट्स पड़ी हुई है, क्योंकि लास्ट दफा सेल आया था हमने सब ले लिया, तो ऐसा होता है ना, पूरा स्टॉक बना रहता है। तो पहला एक सिंपल थिंग हैपन्स टू अस इज दैट लेट मी फिनिश ऑल दिस थिंग एंड देन आई विल यूज द न्यू वन। पहले एक हब खत्म कर दू, बाद में कभी बाय नहीं करूंगा कोलगेट, बट जो है वो तो खत्म करनी है। तो ऐसा थिंकिंग होता है। तो उसके लिए क्या करने का, पहले कि ये सब बराबर है ऊंचो साइड में रख के पहले ग्लिस्टर यूज करने का। क्यों? कि पहले जो एक और दो तीन महीने में आप सबसे ज्यादा बात करेंगे बिजनेस के लिए, राइट, अपने रिश्तेदार से, अपने दोस्त से, सभी से आप पहले सब बिजनेस बढ़ाने की बात कब करोगे? आप पहले अपने रिश्तेदारों से इन योर फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ और थर्ड मंथ, राइट। और उसी दफा वो आपको सवाल पूछेंगे भी आपको एक ग्लिस्टर कैसी लगी, तो बाद में आप क्या जवाब दोगे उनको? तो क्या होगा, बाद में आपने प्लान दिखा दिया, बहुत एक्साइटेड है प्लान के बारे में, एक्साइटेड है प्रोडक्ट के बारे में, और आपने अब खुद अपना प्रोडक्ट यूज नहीं किया, तो उसका इंप्रेशन क्या पड़ेगा तुम्हारे रिश्तेदार पे? कि भाई यही आदमी बिजनेस में, उसकी बिलीफ नहीं है तो हमको क्या सिखाएगा पैसे बनाने के लिए? तो वो आपको कुछ तरह से ना बोल देगा। बाद में आपका क्या होगा कि ऐसे एक महीना दो महीना निकल जाएगा और बोलेगा अभी मेरा बिजनेस तो होता ही नहीं, मैं बहुत प्लान दिखाता हूं, सबको प्लान दिखाता हूं, कोई आता ही नहीं है मेरे बिजनेस में, और आपको उसका रियल रीजन मालूम ही नहीं पड़ेगा। रियल रीजन है कि आपने प्रोडक्ट यूज नहीं किया। तो ये क्या करने का, पहले अपने एमवे का प्रोडक्ट सब यूज करने का, और जब वो खत्म हो जाए, और अब एटलीस्ट ऐसा करने का 3 महीने के लिए ऐसा डिसीजन लेने का, ये सब प्रोडक्ट स्टॉक में रखने का, बस जो 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 प्रोडक्ट हमारा एमवे का प्रोडक्ट नहीं है वो स्टॉक में रखने का। 3 महीने के बाद आप चाहो तो उसको यूज कर सकते हो, बराबर है, बट जब तक आप इनिशियल स्टेज में, जब आप नेटवर्किंग बढ़ा रहे हो, तब ऐसा करना कि सब प्रोडक्ट अपना पहले यूज करने का। और दूसरा क्या करने का, हर एक प्रोडक्ट जो एमवे बनाती है, हर एक प्रोडक्ट तो किट में नहीं आती है, तो जो प्रोडक्ट किट्स में नहीं है उसका भी ऑर्डर करके पहले यूज करने का, क्योंकि जितना अपना बिलीफ, जो बिजनेस जो है ना, बिलीफ्स पर चलता है। ये बिजनेस के लिए पहला तो ये बिलीफ चाहिए कि ये बिजनेस
सही बिजनेस है या नहीं मेरे फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। मैंने बोला ना जो व्हीकल अच्छा चाहिए, व्हीकल में तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं है और आपको ऐसा विश्वास नहीं है व्हीकल तुम्हारे कार में कि मर्सिडीज मुझे अमेरिका ले जाएगी या नहीं, तो आप जर्नी चालू नहीं करेंगे, बराबर। इसीलिए जो बिलीफ्स होना उसमें बहुत जरूरी है। तो यू नीड टू डेवलप दैट बिलीफ दैट दिस इज द राइट बिजनेस फॉर माई ड्रीम। वो अकेली बिलीफ काम नहीं करेगी, दूसरा बिलीफ वो ही भी चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं। आपको मालूम है कि मर्सिडीज तुमको यहां से चेन्नई ले जाएगी, बट आपको गाड़ी चलाना नहीं आता तो क्या करोगे? तो उसका भी बिलीफ होना चाहिए कि मैं ये गाड़ी चला सकता हूं और मैं ये जर्नी कर सकता हूं। तो वो बिलीफ कब आती है? जब आप खुद जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो तो बाद में क्या होता है कि ये प्रोडक्ट तो अच्छी है, मुझे पसंद आती है तो किसी को भी पसंद आएगी, तो वो ऐसे तुम्हारा बिलीफ्स बढ़ाएगी। तो इसके लिए पहला इंपॉर्टेंट काम के इंपॉर्टेंट चीज है कि आप 100 पीवी करना सीखो। मान लो कि आप सब चीजें जो एमवे बनाती है आप खुद यूज करते हो, और उसमें क्या करने का, प्राइस कंपैरिजन नहीं करने का, क्योंकि प्राइस कंपैरिजन में क्या होता है, मेरा तो मैं प्राइस कंपेयर नहीं करता, मैं पीवी कंपेयर करता हूं। जो प्रोडक्ट में ज्यादा पीवी होता है वो यूज करता हूं, क्योंकि वो जो फ्रीडम किससे आता है, पीवी से। तो मैंने बोला भी कोलगेट में कितना पीवी है, ग्लिस्टर में कितना पीवी है, जिसमें ज्यादा पीवी है वो यूज करने का, बस बराबर है। क्योंकि पीवी बढ़ेगा तुम्हारा तो सारे ग्रुप का पीवी बढ़ेगा, बाद में फ्रीडम आएगा, बराबर। तो ये मान लो कि आप सब चीजें आप अपने आप इफ यू आर यूजिंग ऑल द प्रोडक्ट्स, इफ आप सब प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो उससे आपका मान लो कि 40 पीवी हो सकता है, 40 पीवी हो सकता है ना, 40 पीवी उसका हो गया तुम्हारा, लेट्स सी इफ दिस थिंग वर्क्स, ओके। 40 पीवी हो गया तुम्हारा, बाद में ये तुम्हारा हुआ पर्सनल यूज, उसके बाद में 60 पीवी जो है वो करने का रिटेलिंग। और रिटेलिंग कैसे करने का, किसी को घर घर जाके चीज बेचने का बिजनेस नहीं है हमारा, पर हम जिस लोगों को प्लान दिखाते हैं वो सब तो बिजनेस में आने वाले नहीं है, कोई कुछ ना कुछ सिचुएशन होती है उन लोगों की। तो जो लोग जो बिजनेस में नहीं आते हैं उन लोगों को अच्छी प्रोडक्ट की तो जरूरत है, तो उसको ये प्रोडक्ट बेचने का। मान लो कि आपने 10 कस्टमर बनाए, गोल रखने का 10 कस्टमर का, ज्यादा नहीं करने का, 10 कस्टमर का गोल करो, और एवरेज 6 पीवी आएगा तो 60 पीवी हो गया, और 6 पीवी के लिए एक और 2 प्रोडक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करो। क्योंकि आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करोगे सब प्रोडक्ट्स पे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो मान लो कि न्यूट्रोलाइट प्रोडक्ट है या आर्टिस्ट्री प्रोडक्ट है या ग्लिस्टर है, कुछ ऐसी प्रोडक्ट सिलेक्ट करो कि जो हर महीने उस कस्टमर को चाहिए ही चाहिए, इसीलिए तुम्हारा स्टैंडर्ड पीवी रहेगा। तो ऐसे योर गोल इज टू डू 60 पीवी, 60 पीवी कर सकते हो, और 40 अपना हुआ तो 100 पीवी हो गया, इससे ज्यादा हो सकता है कम नहीं होता। तो पहला फर्स्ट थिंग अपने किया क्या, 100 पीवी, तो दैट्स नंबर वन थिंग यू डू 100 पीवी। सेकंड थिंग यू डू इज यू स्पॉन्सर 12, 12 आदमी को स्पॉन्सर करो, दैट्स नंबर टू, और हम उसके डिस्कशन में जाएंगे कैसे करने का है। पर दूसरा स्टेप कर, पहला स्टेप पहले करने का, दूसरा बाद में करने का, क्योंकि जब आप अपना खुद का प्रोडक्ट यूज नहीं करके पीवी नहीं, एटलीस्ट 50 पीवी पहले करने का, क्योंकि वो सर्कल जो प्लान दिखाते हैं उसमें क्या दिखाते हैं, हम 50 पीवी सर्कल दिखाते हैं, राइट। और जो अपना खुद का 50 पीवी नहीं होता है तो तुम ये बोल नहीं पाओगे, और क्या होगा कि जो सामने वाला आदमी ना वो देख पाएगा कि ये आदमी जो बता रहा है वो खुद नहीं कर रहा है। इसीलिए पहले सबसे पहले ये सीखने का, ये 50 पीवी कैसे करने का, उससे बाद उसको 100 पे ले जाने का, बाद में 12 आदमी को स्पॉन्सर करने का, स्टेप नंबर टू। और तीसरा स्टेप ये करने का, तीसरा कदम ये है कि जो 12 आदमी को स्पॉन्सर किया उनको सिखाओ पहले नंबर वन कर, उनको सिखाओ 100 पीवी करने का, बराबर। बाद में उन 12 लोगों को सिखाओ नंबर टू,
उनको सिखाओ कि वो 12 आदमी को स्पॉन्सर करे, और बाद में उसको सिखाओ नंबर 3 जो वो आदमी है उनको 1, 2 और 3 सिखाओ। ये बार बार करने से डायमंड होता है। वेरी सिंपल बिजनेस, यही चीज बार 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 करते रहने का। और इनमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो जो 12 आदमी हमने यहां स्पॉन्सर किए, जिसको ये 1, 2 और 3 नहीं करना है उसको रिप्लेस करो। तब तक स्पॉन्सर करते रहो जब तक तुम्हारे पास 12 आदमी 1, 2 और 3 करते। ये करने से क्या होता है, डबल डायमंड होता है। नॉट ओनली डबल डायमंड होता है, इफ यू हैव अ 12 डायमंड लेग्स, देयर इज समथिंग कॉल्ड FAA पॉइंट्स। एवरी डायमंड गिव्स यू 3 पॉइंट्स। इफ यू हैव अ 12 डायमंड्स टाइम्स 3, यू हैव 36 पॉइंट्स, यू आर क्राउन एम्बेसडर। ये क्राउन नंबर से भी ज्यादा पॉइंट्स है। तुम्हारे पास 12 डायमंड्स की जरूरत नहीं है क्राउन नंबर से के लिए। आपके पास जो ये 12 आदमी स्पॉन्सर हुए ना, उसको ये स्टेज पे ले जाओ, 7 डायमंड लेग्स। आपका गोल है 7 डायमंड लेग्स। सो 7 टाइम्स 3, दैट्स 24 पॉइंट्स। आपके पास 3 एमरल्ड लेग्स, एमरल्ड गिव्स यू 1.5 पॉइंट्स। So, ये कितना हो गया ना, दो यू नीड टू एमरल्ड, सो अनादर 3 पॉइंट्स हो गया। और 3 Q12 का 1 पॉइंट होता है, अनादर 3 पॉइंट्स हो गया। ये जो ऐड कर दो, 24 टाइम्स 3 27 प्लस 3 30, दैट्स क्राउन एम्बेसडर। सो ये क्राउन एम्बेसडर के लिए ये फॉर्मूला है। पर उसके लिए पहला स्टेप क्या है, 100 PV। दूसरा स्टेप है 12 को स्पॉन्सर करो। आदमी कब डायमंड जाएगा, जब स्पॉन्सर होगा तब। स्पॉन्सर नहीं होगा तो डायमंड होने वाला नहीं। स्पॉन्सर होने के बाद भी डायमंड नहीं होने वाला जब वो 1, 2 और 3 नहीं करेगा, बराबर। सो ऐसे स्टेप्स करने से आप क्राउन एम्बेसडर हो सकते हैं। क्राउन एम्बेसडर मीन्स व्हाट, 100% फाइनेंशियल फ्रीडम। मनी का क्या करने का वो सोचना पड़ेगा। कैसा खर्चा कैसे करूं, कितनी भी चीजें लेता हूं ये पैसा खत्म ही नहीं होता है, ऐसा तकलीफ किसको चाहिए, हाँ बराबर है। ये करने का अभी, सो द इंपॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट थिंग हमने बात किया 100 PV कैसे करने का, बराबर है। बाद में ये सोचते 12 आदमी को स्पॉन्सर कैसे करने का। उसके लिए ये 4 चीज करने की। पहले तो लिस्ट बनाने का, हर एक आदमी को जिस किसी को भी पहचानता हो उसका लिस्ट बनाओ। लिस्ट क्यों बनाने का, क्योंकि लिस्ट बनाने से हर एक जो स्टेप्स दिखाता हूं आपको, उसका हर एक स्टेप्स का कोई मतलब है। उसमें डिजायर रिजल्ट है, कभी स्टेप्स का डिजायर रिजल्ट क्या है, उसका 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 क्या रिजल्ट क्या आना चाहिए। लिस्ट का डिजायर रिजल्ट ये नहीं है कि आदमी स्पॉन्सर हो जाए। लिस्ट इसीलिए बनाने का कि कोई इंपॉर्टेंट आदमी उसमें से, हम कई बार अपने सोचने से मिस हो जाता है ना, कई बार हम किसी को पहचानते बड़े वो निकल जाता है अपने दिमाग से, तो वो आदमी का नाम कभी आता ही नहीं, एक बार निकल गया तो। बट वो लिस्ट बनाने से वो आदमी का, मेरा अपना एग्जाम्पल दूं तो मेरे कांति गाला के ग्रुप में एक DD है, वो मेरा दोस्त है। मैंने उसका नाम मेरे लिस्ट में नहीं था। एक दिन, दो महीने हो गया मेरे बिजनेस में, एक दिन ओपन मीट में दिखाई दिया। बाद में DD भी हो गया, कितना नुकसान हुआ मालूम है। बट एक बात ये साइड में, ये टॉपिक में नहीं है, बट मैं बोल देता हूं कि जब मैं ओपन मीट में देखा, मैंने ऐसा नहीं बोला कि तुम तो मेरे दोस्त हो, हमारे पास आ जाओ, कांति के पास जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं करने का, क्योंकि यह परमात्मा का रूल है। आप किसी के पास जो करोगे 10 गुना तुम्हारे पास होगा। सो ये ऐसा कभी नहीं करने का, बराबर। तो मेक अ लिस्ट। अपने में यहां शादी होती है, घर में तो लिस्ट बनाते हैं ना। लिस्ट क्यों बनाते हैं, इसीलिए कि भाई नो, हमको मेक श्योर नो बड़ी इंपॉर्टेंट, किसी का जो इंपॉर्टेंट आदमी है वो लिस्ट में से रहना। और दूसरा, हमारे पास फिक्स नंबर होता है, हा? कि भाई कितने आदमियों को बुलाने का है। बाद में लिस्ट में से दूसरा के स्टेप क्या करते हैं, कुछ आदमियों को निकाल देते हैं, क्योंकि ज्यादा नंबर हो गए, चलो कम कर दो। तो ये अपना जो भी लिस्ट बनाते हैं ना, उसमें मैं क्या बोलता हूँ, जब आप आदमी को लिस्ट में इंक्लूड करते हो, तब ऐसा नहीं सोचने का ये आदमी बिजनेस करेगा या नहीं।
वो लिस्ट का इंपॉर्टेंस वो नहीं है कि आप सोचो ये आदमी बिजनेस करेगा या नहीं करेगा, वो सोचने का नहीं है, लिस्ट बनाने का इंपॉर्टेंस है बस। क्योंकि आप ऐसा सोचने लगोगे तो लिस्ट में 5 नाम आएंगे, बाद में क्या करने का, वो लिस्ट में मैं तो वो बताऊं तो कोई तुम्हारा दुश्मन भी हो तो उसका नाम लिख देने का, बाद में निकाल देने का, आपको आपको बहुत खुशी भी होगी उसको निकाल दिया बराबर। बस लिस्ट बनाते समय ये नहीं सोचने का, और उसके लिए LYF करके लॉन्चिंग योर फ्यूचर, किसके पास LYF है उसमें पूरा स्टेप दिखाया गया कैसे नाम लिस्ट बनाने का। और लिस्ट को अभी आप 3 सेक्शन में डिवाइड कर दो, एक लोकल कि भाई जो अपने 2-3 घंटे का ड्राइविंग से उसको मिल सकते वो लोकल लिस्ट बोलते हैं, हमारे गांव के नजदीक जो होते हैं सब, और दूसरा होता है दूर का लिस्ट, कोई चेन्नई में है, कोई दिल्ली में है, कोई कलकत्ता में है, वहां आपको जर्नी लंबा जर्नी करना पड़ता है उसके लिए, और तीसरा इंटरनेशनल लिस्ट बनाओ, क्योंकि ये बिजनेस तो 80 कंट्रीज में हो रहा है और इसकी टेरिटरीज में, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्शन मिल जाता है। तो ऐसे 3 सेक्शन में डिवाइड करने, और उसके बाद फोकस करने का लोकल लिस्ट में, पहले लोकल लिस्ट में से जो हो सकता है तो दूर जाने की क्या जरूरत है, तो ऐसे उसमें फोकस करने का। दूसरा स्टेप उसके बाद उसको फोन करके इनवाइट करने का बिजनेस दिखाने के लिए, और उसके लिए भी LYF में कई सैंपल्स फोन स्क्रिप्ट्स है, अपना खुद का स्क्रिप्ट बना लेने का। और लिस्ट में लोकल लिस्ट उसको भी 2 सेक्शन में डिवाइड करने का, वंस अपने क्लोज फ्रेंड्स है और रिलेटिव्स है जिसका तुम्हारे घर आना जाना हो रहता है, और दूसरा जो होता है हम उसको पहचानते हैं बट इस एक दूसरे के वहां जाते नहीं हम, हम पहचानते हैं नाम से पहचानते बट दूसरा कुछ कनेक्शन नहीं है वहां बराबर। तो ऐसे और दोनों के लिए दूसरा स्क्रिप्ट है, एक ही स्क्रिप्ट दोनों ग्रुप के लिए नहीं चलेगा। पहले ग्रुप के लिए क्या करने का कि उसको तो मान लो कि पंकज मेरा दोस्त है और मैंने संडे को मैंने बिजनेस शुरू किया, फोन उठा के पंकज संडे को क्या करता है ऐसा बात करते थे ना फ्रेंड से, तो कुछ नहीं मेरे घर आ जा, क्यों, अरे क्यों पूछता है, मैं तुमको करोड़पति बनाने वाला हूं, तुम पूछता है क्यों कोई भी कुछ मजाक कर लेने का ऐसे, बड़े उसको बताने का नहीं फोन पे, क्योंकि फोन पे इफ यू गिव लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन दे विल मेक डिसीजन बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन, फोन पे जो बताओगे उससे वो डिसीजन लेगा। उसको पूरा प्लान दिखाओ वरना कुछ मत दिखाओ, आधा काम मत करने का, और तुम उसको तुम्हारे यहां नहीं बुलाते तुम उसके घर पहुंच जाओ। मैं बोल गया पंकज तुम क्या करता है, कुछ नहीं मैं अभी आता हूं, क्यों, इंपॉर्टेंट काम है, क्या काम है, मैं आता हूं बताता हूं, क्यों मुझे बुलाना नहीं चाहता क्या। सो दैट्स हाउ यू क्लोज फ्रेंड रिलेटिव यू डू दैट, यू डोंट नीड एनी स्क्रिप्ट, फ्रेंड के साथ स्क्रिप्ट मत रीड करना वरना बोलेगा क्या हो गया ये आदमी पागल हो गया क्या है ना, कुछ कुछ बात करता है। और जो अक्वेंटेंस होता है उसके लिए स्क्रिप्ट यूज करने का, उसके बाद में उसको प्लान दिखाने का, बोलते हैं STP शो द प्लान, और शो द प्लान में कई कई तरीके होते हैं उसके दिखाने के। पहले तो तुम उसको डायरेक्टली होटल मीटिंग में बुला सकते हो, वो जो ओपन मीटिंग्स करते हैं ना ओपन मीटिंग में बुला सकते हैं, अपना फ्रेंड है मानो कि पंकज है, बोला भाई तुम संडे इवनिंग को क्या करते, मान लो संडे इवनिंग को ओपन मीटिंग है तो संडे इवनिंग को क्या करता है, भाई हम जा रहे हैं साथ में मेरे साथ आना, उसको लेके ओपन मीटिंग में चले जाने का, तो किसी और कोई आदमी वहां प्लान दिखाएगा और उसके घर जाके 1-on-1 कर सकते हैं, और उसके लिए कुछ ही दिनों में हम वो फ्लिप चार्ट्स आ जाएंगे, तो उसमें तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी, वो जो चार्ट्स वो एक पाना उठा के उसको तुमको पढ़ना नहीं आता तो उसको बना तुम पढ़ लो और के पढ़ना हो गया बाद में दूसरा पेज तीसरा पेज ऐसा बहुत ईजी हो जाएगा। हर एक आदमी प्लान दिखा सकता है, मैं क्या बताऊं ये बिजनेस तब काम करेगा जब आप अपने खुद का प्लान दिखाना शुरू करो, क्योंकि जब आप प्लान दिखाना शुरू कर दो तब वो बिजनेस तुम्हारा हो जाएगा। बाद में हर एक दफा जब किसी को प्लान दिखाओगे बोलोगे कि आप क्या ड्रॉ करते हैं 963 बोलते हैं 50,000 मिलता है, तुम्हारे माइंड में 50,000 जितनी बार ज्यादा प्लान दिखाओगे उतनी बार ज्यादा वो 50,000 उसका सेल्फ प्रोग्रामिंग होता है। तो जब खुद बोलते हो कि ये बिजनेस करने से 50,000 मिलता है, तुम्हारे माइंड में क्या गया ये बिजनेस करने से 50,000 मिलता है,
जितनी बार ज्यादा प्लान दिखाओ दे इतनी बार ज्यादा प्रोग्रामिंग होगा, तो आप 50,000 हो आने लगेंगे। तो बट तुम्हारा अपलाइन प्लान दिखाएगा तो उसको मिलेगा 50,000, तुमको नहीं, क्योंकि वो बोलता है तुम नहीं बोलता, बराबर है। इसीलिए पहले आप अपना खुद का प्लान दिखाओ, और कोई प्लान ऐसा नहीं है वो अच्छा है या बुरा है। यू नो कौन प्लान, विच प्लान इज गुड, कौन सा प्लान अच्छा है जो स्पॉन्सर करता है, और कौन सा प्लान अच्छा नहीं है जो स्पॉन्सर नहीं करता है। उसमें कोई ये नहीं कि हमको, और पहली दिक्कत क्या होती है हर एक आदमी की भी, मुझे तो जब तक अच्छा प्लान दिखाना नहीं आता तब नहीं दिखाएंगे। और बोलते, और ऐसा भी होता है कई, यू नो फियर होता है कि भी शायद मैं एक दो स्टेप मिस कर जाऊंगा तो क्या होगा। पर सामने वाले प्रोस्पेक्ट को तो पता नहीं है ना कौन सा स्टेप मिस हो गया, तो उसके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक बात बताऊं कि जो कोई आदमी को ड्रीम्स, बहुत सारे ड्रीम्स है ना, उसको आप बुरा प्लान दिखा ही नहीं सकते, और जिसके पास ड्रीम नहीं है उसको कोई अच्छा प्लान ही नहीं दिखा सकते। ड्रीम होना जरूरी है, प्लान से कोई आदमी आता नहीं है बिजनेस में, वो अपना ड्रीम्स जो होता है ना वो उसके साथ रिलेट करता है प्लान, तब आ जाता है बिजनेस में। तो इसीलिए उसकी चिंता मत करना, और उसके लिए आप होम मीटिंग्स भी कर सकते हैं, जो जैसे ओपन मीटिंग्स होती है वहां ऐसे अपने घर में भी कर सकते हैं, और किसी प्रॉस्पेक्ट को अपने स्पॉन्सर किया उसके घर पे जाके भी मीटिंग कर सकते हो। तो ऐसे सो द प्लान किसी भी तरह से कर सकते हो, कोई एक स्टैंडर्ड अप्रोच नहीं है। ऐसा नहीं है कि भी ओपन मीटिंग से ही बिजनेस होता है, अकेले ओपन मीटिंग से बिजनेस करना चाहोगे तो बहुत देरी लगेगी। हमारा तो रूल है कि वीक, हफ्ते में एक दो बार अपना खुद का होम प्लान होना ही चाहिए, इससे ज्यादा नंबर्स बढ़ते हैं। ये ऐसा बोर्ड और ईजल बाय कर देने का, और बाद में हफ्ते में दो बार ये बोर्ड को किसी के घर में रखने का, अपने घर में नहीं, ऐसा करने से नंबर बढ़ता है। उससे क्या होगा कि जब वो मीटिंग्स में आएंगे वहां से उसको ओपन मीटिंग में ले जाने का, बराबर, सिंपल अप्रोच है। बाद में द लास्ट इंपॉर्टेंट वन इज टू गेट देम स्टार्टेड, उसको प्लान दिखा दिया। द इंपॉर्टेंट जो चीज है प्लान दिखाने में, वो आप प्लान का क्लोजिंग कैसे करते हो। प्लान्स बताने का 5 स्टेप्स है, वो जो जो पावर पॉइंट जो फ्लिप चार्ट आ जाएंगे ना उसमें वो 5 पॉइंट से बनाया गया है। पहला पॉइंट है, बोलते हैं उसको सेट एट ईज, उसको ऐसा महसूस करा दो कि ये सुनने से उससे कोई रिस्क नहीं है, कुछ पैसे गंवाने की चीज नहीं है। उसको ऐसे, जब मैं किसी को प्लान दिखाता हूं बोलता है मैं तुम्हारे साथ ये आइडिया शेयर कर रहा हूं, आपको शायद पसंद आए, आपको शायद पसंद न भी आए, आपको पसंद ना आए तो ना बोलना एक्सेप्टेबल आंसर है, हां बोलने की जरूरत नहीं, ना भी बोल सकते हो, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। मैं यहां आपको कुछ बेचने नहीं आया, आपको कुछ कमिट करने नहीं आया, कुछ साइन नहीं करने किए, कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाता है, और मैं तुमको कुछ प्रॉमिस नहीं करता, तुमको भी मुझे कुछ प्रॉमिस करने की जरूरत नहीं। ये जो शेयर करने का है बाद में प्लान के बाद में, ये आपको ठीक लगे तो दूसरा स्टेप क्या है दिखाएंगे, बराबर है, सेट ईज हो गया आदमी। दूसरा स्टेप है उसका ड्रीम बिल्ड करने का, क्योंकि ड्रीम जब तक नहीं है तब तक कुछ नहीं होता। किसी भी तरह से बेस्ट वे टू बिल्ड द ड्रीम इज शेयर योर स्टोरी। मैं तो बताता हूं मैं क्यों कर रहा हूं बस, तो उससे आपो आप उसका ड्रीम आ जाता है। मैं हमेशा बताता हूं भाई, मैंने जब प्लान देखा तो यू नो मीना काम कर रही थी, बच्चे लोग को हम किसी के पास रख के नौकरी जाना पड़ता था, तो हमने सोचा कि जो डीडी हो जाते हैं तो मीना कैन स्टे होम ना, उसका भी ऐसा ड्रीम हो तो आ गया ड्रीम उसका। किसी को तुम ऐसा पूछोगे भी तुम्हारा ड्रीम्स क्या है, तो उसको तो कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि पूरी उसको मालूम है उसका इनकम क्या है, खर्चा क्या है, उसको मालूम है, ड्रीम शब्द भी भूल गया वो आदमी। ड्रीम शब्द याद था जब वो 12 साल का था, उसके बाद में तो ड्रीम शब्द चला गया। मेरे पास बहुत सारे ड्रीम्स है, बहुत बड़ा ड्रीम सर्कल था मेरा, वो उसके बाद में एक दूसरा सर्कल मेरे जीवन में आ गया, बोलता इनकम सर्कल, वो इतना छोटा था तो उसमें वो बड़े ड्रीम कैसे आ सकते हैं, बाद में मेरा कोई ड्रीम ही नहीं रहा। इसीलिए जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम अपनी अपनी स्टोरी शेयर करो, उसके बाद तुम ये बिजनेस क्यों करते हो, ये बिजनेस क्या दे सकता है। मैं तो हमेशा बात करूं, ये बिजनेस फाइनेंशियल फ्रीडम देता है, पैसे देता है जो कुछ करना है उसके लिए, उस समय देता है, सिक्योरिटी देता है, इसीलिए मैं ये बिजनेस कर रहा हूं। बाद में उसका जो ड्रीम है तो वो आ जाएगा। सो ड्रीम बिल्ड करो, और उसको पूछना कि आपके पास बहुत सारे पैसे हो तो कौन सी गाड़ी खरीदोगे,
आपके पास बहुत पैसे, कौन सा घर मकान खरीदोगे, कहाँ खरीदोगे, ऐसे उसके पास ड्रीम शेयर करो। उसके पास ड्रीम नहीं है तो उसको प्लान दिखाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आदमी को भूख नहीं लगी है तो खाना बताने की क्या जरूरत है, उसको भूख ही नहीं है हा? और खाएगा शायद, बिकॉज वो ना नहीं बोल सकता, आपका रिश्तेदार है, बट बहुत ज्यादा खा जाएगा तो वॉमिट करेगा, अपने आप कर ही आ जाएगी, क्योंकि उसको भूख नहीं है। इसीलिए इंपॉर्टेंट चीज इज शेयर द ड्रीम, दैट्स स्टेप नंबर टू। देन द थर्ड स्टेप, उसको बिग पिक्चर दिखाओ। पहले भी आप डीडी हो गए, छह आदमी को डीडी बना से 30 लाख का इनकम होता है, पहले ये बिग पिक्चर पहले दिखाने का और बोलना कि डीडी अभी अभी, मान लो आप डीडी हो गए, कैसे करना नेक्स्ट दिखाता हूं आपको। बट डीडी हो जाने से आपकी 50,000 की इनकम होगी, और आप ऐसे छह आदमी को जानते हो जो 50,000 की इनकम करना चाहते, ऐसा हो गया तो उन लोगों को भी वही सिखाएंगे हम जो हम तुमको सिखाने वाले हैं। आप डीडी हो गए, छह अदर आदमी डीडी होने से क्या होता है, आप डायमंड्स हो जाएंगे, डायमंड से बाद 30 लाख का इनकम होगा। उसके बाद में क्या पूछने का, मान लो आपका 30 लाख का इनकम हो गया, कैसे लाइफ कैसी कटेगी, थिंक अबाउट इट। सी इफ दे कैन नॉट शेयर एनीथिंग एट दैट पॉइंट, दे आर नॉट ड्रीमर्स, इन दैट टेल्स यू हाउ फार दे गोना गो। वो ये नहीं बता सकते कि मैं 30 लाख का क्या करूंगा हा? और उसको हेल्प करने का, उसको हिंट्स देने का हा? बोला भाई 30 लाख होता तो कौन सी गाड़ी खरीदोगे, मारुति या मर्सिडीज, दोनों म से चालू होता है हा? वो कौन सी अच्छी कौन सी लगती है। बोला कि आपके पास इतने पैसे होते तो आप पड़ोसी बदलोगे या नहीं, कहां घूमने कहां जाओगे, ऐसे। सी नेवर बी अफ्रेड एस्किंग अबाउट ड्रीम। बिल ब्रिटम को एक ही बताता है, तुम प्लान में से ड्रीम निकाल दोगे तो वो प्लान का कोई प्लान ही नहीं रहेगा, ज्यादा टाइम प्लान में ड्रीम्स में लगाने का। तो इतने टू बिग स्टेप्स हो गया, बिग प्लान। चौथा स्टेप है उसका 225, जो 963 है वो दिखाने का। एंड एवरी स्टेप्स पे जो इनकम्स दिखाते हैं ना, उसके लिए उसको पूछना उसका क्या करोगे। तो ड्रीम्स कंटिन्यूस थ्रू आउट द प्लान। ड्रीम्स तो हर एक स्टेप्स में ड्रीम्स आना चाहिए, उसको री इन्फोर्स करने का ड्रीम का, क्योंकि जब उसके पास ये आएगा कि ये मेरा ड्रीम्स है, ये आने से ये आ सकता है। क्योंकि कोई आदमी 30 लाख से कनेक्शन नहीं कर पाएगा, मान लो कि अभी 2-3 हजार कमाता है, उसको तुम 30 लाख बोलोगे तो वो मेंटली एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट उसको तुम बोलेगा ज्यादा, 1,000 ज्यादा रुपया, वो बोलेगा हाँ उसका मालूम है क्या करने का। बाद में जब वो 1,000 ज्यादा कमाएगा, आप अपने आप सीख जाएगा 2,000 का क्या करना है, 5,000 का, वो बाद में लाख का क्या करना है। मैंने जब पहली दफा प्लान देखा तो हमने बोला कि तुमको मिलियन डॉलर का इनकम होगा, हमने बोला भाई अभी तो 100,000 भी नहीं होता, मिलियन कैसे करेंगे हा? तो वो हमारा दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं करेगा हा? और जो तुम्हारा दिमाग एक्सेप्ट नहीं करेगा उस पर तुम एक्ट नहीं करोगे हा? तो एक्शन कब लोगे किस पर, जब आपका दिमाग वो एक्सेप्ट करेगा तब आप एक्शन लोगे। दिमाग एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आप नहीं करोगे हा? तो इसीलिए उसको कवर ये भी करने का, जब आप 9-6 पे आते हो तब कितनी इनकम दिखाते हो उसका उसको रिलेट करने का हा? तो ये 963 प्लान हो गया। बाद में जो लास्ट स्टेप है, पांचवा स्टेप प्लान दिखाने में, क्लोज आउट, यू नो, उसका प्लान्स में कंक्लूजन क्या करने का, प्लान में उसकी समाप्ति कैसे करने की, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है, लास्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है, इन बिटवीन नो प्रॉब्लम, कुछ भी कह दो बराबर है। पहला उसको पहले आपने उसको पहले ये नहीं दिखाया कि भी उसको कुछ कमिट नहीं करने का है, तो क्या है तो उसकी हमेशा जो कुछ बोलते उसकी चिंता रहती है, कब पैसे मांगेगा, तो आप जो कुछ बता रहे सुन ही नहीं पाएगा, क्योंकि टेंशन में आ जाएगा आदमी। तो उसको पहले उसको टेंशन से रिलीव कर देने का, बाद में वो तुम्हारी बात सुनेगा और हो गया बात में उसको एंड कैसे करने का, वो भी इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्लान जो है वो एंड कैसे करने की, उसमें से कोई दूसरा अपॉइंटमेंट करने का, अपॉइंटमेंट से अपॉइंटमेंट्स होना जरूरी है। आपने उसको पूरा प्लान तो दिखा दिया, बाद में आपने डिसाइड नहीं किया कब मिलना है, बाद में क्या होगा, आप उसको फोन करते रहोगे, बाद में उसको ऐसा लगेगा कि उसको मेरी जरूरत है, बाद में क्या होगा, आपने अपना पोस्चर गंवा दिया इसमें, बाद में क्या होगा कि उसको लगेगा कि ये कुछ दाल में कुछ काला है,
इसीलिए पहले ये डिसाइड करने का भी आप अपने प्लान देखा. नाउ हियर आर थिंग्स यू आई वांट यू टू डू. ये चीज आपको करने की, आपको ये जो पसंद आए तो पहला ये करना है कि आप अपना डिस्ट्रीब्यूटर नंबर ले लो, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर होने से बाद में मालूम पड़ गया बिजनेस होता है या नहीं होता है. और मैं तो हर एक आदमी को बोलता हूँ, मान लो कि आपको तैरना नहीं आता, किस तरह से तैरना सीखोगे? आप किताबें पढ़ के तैरना सीख सकते हो, किसी को देख के सीख सकते हो. उसके लिए क्या करना है, पानी में गिरना पड़ेगा. पानी में जब तक नहीं जाओगे तब तक आपको तैरना आने वाला आएगा नहीं. हाँ, बराबर है. इसीलिए यू हैव टू डू इट फर्स्ट. बट देर बाद में उसको मैं पूछूंगा कि भी ये तो बराबर है, पानी में जाना है, बट खुद अकेले जाओगे? अकेले पानी में जाओगे तैरना नहीं आता तो क्या होगा? डूब जाओगे. इसीलिए ऐसा जरूरी है कि ऐसा आदमी अपने पास हो जिसको तैरना आता हो, सिखाना आता हो. इसीलिए तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी. आप अकेले किसी को प्लान दिखाने मत जाओ. दैट्स सी, आप इसी तरह किसी को किसी आदमी को पहले आप बताओ, ये आप उसके पास जो कुछ कर इंस्ट्रक्शन देते हो उसको उसका रीजन दो कि क्यों आप यूं ऐसा उसको कहते करने के लिए, वरना वो नहीं करेगा. पहले क्या होता है, आदमी प्लान देखता है, वहां जाके उसके सब दोस्त रिश्तेदार को बात करने लगता है और उसके पास इंफॉर्मेशन तो है नहीं. तो इन लोग सबको उसका है ना, बाद में वो एक्साइटेड आदमी है और फॉलोअप में दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि क्या होता है, कोई आदमी उसका ड्रीम स्टील कर लेता है. तो उसके पहले ये इंस्ट्रक्शन देने का कि भाई हमारे पास ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम है, वो ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम का इस्तेमाल जितना करोगे इतना सक्सेसफुल होगे. कैसे बात करना, क्या करना, सब हम सिखाएंगे आप तुमको. तुम्हारा काम एक है कि पहले तो डिस्ट्रीब्यूटर नंबर ले लो, दूसरा प्रोडक्ट यूज करो, क्योंकि जब तक अपना विश्वास नहीं है किसी के बात नहीं कर सकते. मैं तो हर एक आदमी को बोलता हूं, कोई आपने कोई रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाया, उस रेस्टोरेंट के बारे में किसी के बात कर सकते हो? नहीं. बट आपने खाना खाया, आपको पसंद आया तो कैसे बात करोगे? अरे कई रेस्टोरेंट तो इतने अच्छे होते हैं, तुमको खाना इतना पसंद आता है, तुम ऐसे बात करते हो जैसे तुम उसको वो रेस्टोरेंट तुम्हारा है. ऐसा है कि नहीं? इसीलिए मैं बोलता हूं तुम अपनी बिलीफ बढ़ाओ पहले. तो मैं क्या बोलता हूं उसको, और जो होम प्लान करते हो तो प्रोडक्ट का डेमो करने का वहीं पे भी, क्योंकि वो प्रोडक्ट डेमो देख जो उसने देखा तो आप जो कुछ अपनी अपनी खुद की आंख से देखते हो तो बहुत बिलीव करते हो ना उसमें. तो उसको ऐसा होता है ये प्रोडक्ट तो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है. बाद में घर जाके किसी को बात भी करेगा, कोई बताएगा प्रोडक्ट बहुत महंगी है, ये है, वो मानेगा नहीं उसको, क्योंकि उसने अपने खुद देखा है. इसलिए प्रोडक्ट डेमो इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी भी यूएसए में जब हम ये प्लान दिखाते हैं होम प्लान, अभी भी हम प्रोडक्ट डेमो करते हैं. दो चीज, सब प्रोडक्ट्स नहीं करने का, टू और थ्री प्रोडक्ट्स, ज्यादा भी नहीं करने का. और उसको बना का सब प्रोडक्ट इसी तरह के क्वालिटी प्रोडक्ट्स है. और बाद में बोले कि भाई किट्स आएगा, किट्स में प्रोडक्ट आएगा तुम यूज करना. इसीलिए अभी भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लो और वाउचर के बजाय किट रखना रखो, क्योंकि वाउचर में बाद में उसको हफ्ता दो हफ्ता निकल जाता है किट आने में. जो किट भी होता है तो वहां से प्रोडक्ट खोल के वहीं भी दिखा देने का उनको, तो उसका इंप्रेशन ज्यादा होता है जो फॉलो उसमें जाते होता है. बराबर. तो उसको बताऊं पहले प्रोडक्ट यूज करो, तो वो तीसरा स्टेप हो गया. और उसको बताओ लिस्ट बनाओ, जितने आदमी को पहचान दो उसका लिस्ट बनाओ, बट किसी से बात मत करो. मैं बोलूंगा अभी पंकज जुमान के एसपी तुम्हारा दोस्त है और तुम एसपी को फोन करोगे और एसपी बताएगा, वो एसपी तुमको कुछ सवाल करेगा बिजनेस के बारे में, तुम जवाब दे पाओगे? आज तुम्हारे पास पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं, उससे क्या होगा, तुम्हारा क्रेडिबिलिटी चला जाएगा. एसपी बोल देगा ये पंकज क्या बिजनेस देगा, उसको भी मालूम नहीं. इसीलिए क्या होगा कि एसपी तुम्हारा डायमंड होने वाला आदमी है, बट आज तुमने घुमा दिया बिकॉज तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं. ऐसे डराने से आदमी बात नहीं करेगा. फियर मोटिवेशन इज अ बिगर मोटिवेशन देन ड्रीम. क्योंकि वही होता है, बाद में आदमी जो समझदार होगा ना तो वो नहीं करेगा. और बाद में मैं ये चीज यूज करता हूं, बाद में मैं बोलता हूं भाई पंकज तुम तो इंटेलिजेंट आदमी हो, इंटेलिजेंट आदमी तो ये समझ सकता है, बट हमारे पास इतने कैसे आदमी आते हैं वो इंटेलिजेंट नहीं होते, वो इतना कहने के बाद भी करते हैं और फिर उसका भविष्य जाता है, हम क्या करेंगे? इनडायरेक्टली बोल दिया उनको, राइट? ये हो गया. बाद में उसमें अपॉइंटमेंट सेट करने का, ये भी मान लो कि आज संडे के दिन तुमने प्लान दिखाया तो 24 to 48 hours में उसको मिलने का जरूरी है. पर कई बार ऐसा होता है हफ्ता भी निकल जाता है, कोई बात नहीं ना, तुमको मालूम है तुम्हें क्या चाहिए, बट जो मिलता है वो ले लेने का.
तो आई वुड ट्राई टू गेट एन अपॉइंटमेंट इन 24 to 48 hours. तो मान लो कि यार संडे तो बोलना कि भाई मंडे इवनिंग को क्या करते हो और ट्यूसडे इवनिंग को क्या करते हो, ये मटेरियल ले जाओ स्टडी करो, उसको टेप्स देने का, कुछ ब्रोशर देने का, हम उसके लिए भी लिटरेचर पैक बना रहे हैं. ऐसा ब्रिट वर्ल्ड वाइड का स्टैंडर्ड पैकेज आएगा वो ही दे देने का. तो हर एक आदमी को स्टैंडर्ड, उसमें कुछ प्लेम्फेट्स होगा ब्रिट वर्ल्ड वाइड का, कुछ प्लेम्फेट्स होगा एमवे का, कुछ स्टैंडर्ड टेप्स होगी. ओके, वो टेप्स से उसको मालूम, वो जब घर जाता होगा तो वो टेप में हम सब उसके जो कंसर्न्स हैं वो क्लियर करेंगे. कि भी घर जाते उसको जब आपसे जब दूसरी मुलाकात होती है उसके बीच में ही उस आदमी का क्या होगा मालूम नहीं है. तो उसके लिए हम उसको इन्फॉर्मेशन देंगे, उस टेप में उसको बताएंगे भी किसी को बात नहीं करने का, ये जब जो इंस्ट्रक्शन मैंने दिया वो उस टेप में करेंगे. हाँ, तो वो आदमी को बोला ये टेप सुनने का, लिस्ट बनाने का और लिस्ट दो बनाने का. 50,000 रुपया इनकम होगी तो क्या क्या करोगे उसका भी लिस्ट बनाओ और किसी को पहचान दो उसका लिस्ट बनाओ. बाद में हम मंडे नाइट और ट्यूसडे नाइट को मिलते हैं, बराबर हो गया. बाद में मंडे नाइट ट्यूसडे नाइट को वहां पहुंचे आप, अब क्या करने का. तो अब उसको पहले तो वो आदमी आपका इंस्ट्रक्शन पूरा फॉलो किया होगा तो वो एक्साइटेड ही रहेगा, बट इसने किसी से बात किया है या कुछ किया है वो बोलता है तो वो आपको मालूम हो जाएगा, आपका लिटरेचर पैक दरवाजे में पड़ा होगा, अपना तो कुछ जाता नहीं उसका अनुष्ठान है. ऐसा आदमी जो है ना आपको खुश होना चाहिए ऐसा मिले तो. क्यों? कि जो आदमी टीचेबल नहीं है वो डायमंड हो ही नहीं सकता. अच्छा हुआ अपना समय बच गया. मैं तो वो कंडीशन में ज्यादा खुश होता हूं, क्योंकि कोई आदमी मान लो कि बिजनेस में आ भी गया, टीचेबल नहीं है, तो आपका कितना समय बर्बाद होगा. हाँ, उसको फोन करोगे, मीटिंग करोगे, ये करोगे, बाद में वो निकल तो जाने वाला ही है. मैं तो क्या कि जब मैं आदमी को फोन करता हूं भी आपको इंटरेस्ट है बिजनेस में, ना बोलता उसको मैं ज्यादा धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मेरा समय बच गया, पैसा बच गया. क्योंकि हमारे कैसा आदमी चाहिए आपको जो डायमंड होने वाला है. और उसमें टीचेबिलिटी जरूरी है. तो ऐसे बाद में उसको मिला तो मान लो कि पंकज प्लान देखने आया था, मैंने उसके साथ बात किया. मैंने पहला ये सवाल पूछूंगा भी पंकज उस दिन जो मीटिंग में आए थे, जब कांति गाला ने मीटिंग लिया, बराबर आपको क्या पसंद आया उसमें? ऐसा नहीं बनाया वो पसंद आया नहीं, क्या पसंद आया तो उसको कुछ तो बताना पड़ेगा. उससे क्या मालूम पड़ता है ये सवाल करने से? आपको मालूम पड़ता है कि ये आदमी पॉजिटिव है या नेगेटिव है. पॉजिटिव आदमी जो होता है तो सब पूरा लिस्ट होता है अच्छी चीजों का. जो नेगेटिव आदमी बोलता है ये पसंद नहीं आया, ये पसंद नहीं आया, ये पसंद नहीं आया, ये पसंद, क्या पसंद आया? कुछ पसंद नहीं है, तो वो आदमी डायमंड जाने वाला है. तो उसका क्या, परमात्मा का शुक्र, थैंक यू गॉड दैट आई डोंट वेस्ट माय टाइम, थैंक यू.